Students, now we will do question 15 of 2.3 and 5.9, which is greater and by how much? हमने इसमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है. ये इसमें कंपेयर करेंगे हम लोग 2/3 एंड 5/9. अब हम न्यूमरेटर को डिफरेंट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2/3 है मल्टीप्लाई 9/9 और इसका 5/9 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका है 2 9 18, 3 9 27, 5 3 15, 9 3 27. अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है? ऑब्वियसली 18 बिगर नंबर है 15 से, तो 18/27 इज ग्रेटर देन 15/27. 18 और 20/7 की वैल्यू है 2/3 ग्रेटर देन 5/9. अब उन्होंने पूछा भी है बाय हाउ मच, कितना ग्रेटर है. तो बाय हाउ मच हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. 18/27 माइनस 15/27, 27 हमारा एलसीएम आ गया. 18 माइनस 15 3/27, 3 1 3, 3 9 27. ये 3 के टेबल में कट गया, 1/9 ये है ग्रेटर है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन 16. द कॉस्ट ऑफ पेन इज 16/3/5 एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज 4/3/4, विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच. इसमें हमें बताना है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी कॉस्ट ज़्यादा है. तो हम लिखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू रुपीज़ 16/3/5, कॉस्ट ऑफ पेंसिल रुपीज़ 4/3/4. अब हम इनको कंपेयर करेंगे एंड 4/3/4, पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 16 5 80, 80+3 83/5 एंड 4 4 16, 16+3 19/4. अब 83/5 डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 83 × 5 × 4/4, 83 × 4 हमारे पास आया 3 3 2/20 और 19/4 × 5/5, 19 5 = 95/20. तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा निकली? 3 3 2/20, ये है पेन की कॉस्ट है. तो कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन पेंसिल अब हमने बताना है बाय हाउ मच. इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3 3 2 − 95/20. अब इसको माइनस करके हमारे पास आ गया 237/20. अब हम ये किसी पे नंबर पे नहीं करता, अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 237 को 20 से हमने डिवाइड करना है. 21 = 20, अब हमारे पास आ गया 37, तो इसमें आ जाएगा अगेन 21 = 20, 17 आ गया. तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 11 whole 17/20, 11 whole 17/20 जो है कॉस्ट ज़्यादा है.